डोईवाला में तहसील भवन निर्माण कार्य का राज्य मंत्री करण बोहरा ने किया निरीक्षण। पुरानी बिल्डिंग में चल रहे डोईवाला तहसील व सिविल कोर्ट के कार्य से कोर्ट व तहसील के कर्मचारियों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से तहसील व कोर्ट की दैनिक प्रक्रिया भी बाधित हो रही है। क्षेत्र में तहसील भवन की आवश्यकताओं को देखते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तहसील भवन निर्माण कार्य को तीव्र गति से कराने के निर्देश दिए और कार्य को 11 माह में पूर्ण करने को कहा। हालांकि मंत्री ने निर्माण कार्य की धीमी गति को देखते हुए निर्माण में लगी संस्था के कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। नवभारत समाचार डोईवाला उत्तराखंड से जावेद हुसैन। माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उत्तराखंड को विकसित प्रदेश नंबर वन प्रदेश बनाने के लिए अपने प्रयास किए और इसी तरह हमारी विधानसभा डोईवाला विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाने के लिए बहुत भरसक प्रयास किए, कई घोषणा की। 75% से लेकर 85% घोषणाएं पूरी भी होगी, साकार ले चुके हैं। कुछ इन्हीं सौगातों में से एक सौगात है हमारी जहाँ पर हम खड़े हैं, तहसील भवन। पुरानी भवन जो जर्जर स्थिति में था और वहाँ लोगों को परेशानियाँ थी, पूरी व्यवस्था नहीं मिल रही थी, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने नई तहसील बनाने का जो वादा किया था वो आज साकार रूप ले रहा है। इसे डेडलाइन दी गई 11 महीने में, जल्दी इसके बनने से डोईवाला की जनमानस को इसका बहुत लाभ मिलेगा और जो वहाँ के कर्मचारी है उनको भी सुख सुविधाएँ मिलेंगी। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार जितने भी उनके द्वारा घोषणाएँ हुई हैं उन पर तेज़ी से कार्य करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं और उसी को देखते हुए आज हमने डोईवाला ये तहसील भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, इसकी प्रगति जानने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं और हमने संबंधित विभाग के इंजीनियर्स को ये स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि आप इस काम में तेज़ी लाएं और समय से ये कार्य हो और गुणवत्ता के आधार पर ये कार्य हो। इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी क्योंकि क्षेत्र की जनता को अतिशीघ्र सुविधा मिलनी चाहिए और डोईवाला तहसील भवन की का निर्माण इसी वजह से माननीय सीएम साहब ने तुरंत कराने का आश्वस्त किया था और इस कार्य में तेज़ी लाने के लिए आज हम पूरे क्षेत्र में जितनी भी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हुई हैं उन सभी कार्यों में तेज़ी से कार्य करने के लिए बराबर उनका अवलोकन कर रहे हैं और संबंधित विभाग को इससे अवगत करा रहे हैं कि समय पर और गुणवत्ता के आधार पर कार्य